लक्ष्मी जी, ऐसे बिना कुछ खाए कोई फायदा नहीं होगा। लीजिए, कुछ खा लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपके दोस्त के पास सारे आइटम। बस क्या ठीक करेंगी आप? जानती भी हैं मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है। देखिए वकील साहब, मुझे नहीं पता ये आप कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। बस दो घंटे, दो घंटे का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। जल्दी से जल्दी डाइवोर्स पेपर्स लेकर आप यहाँ पर आइए। अगर आपने जरा सी भी देर की ना, तो मैं कोई दूसरा वकील हायर कर लूंगा। फटो तुम मेरी बात सुनो, ये क्या करने जा रहे हो? हम बात करते हैं बैठ के। हाँ, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार मेरी। क्या बात सुनो? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। अपने पति का, अपने परिवार का भरोसा तोड़ा तुमने। जब मैं तुम पर विश्वास ही नहीं कर सकता, तो बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लक्ष्मी, लक्ष्मी ऐसे रोते नहीं। लक्ष्मी चलो उठो, देखो बैठ के बात करते हैं। आओ उठो, उठो ना। लक्ष्मी ऐसे रोते नहीं, आंसू पोंछो, रोना बंद करो, शांत हो जाओ। लक्ष्मी कुछ याद आया? तुम ही आई थी ना मेरे पास। तुम्हारी सास, तुम्हारी दोस्त की जीत का जश्न मनाने। बस उसी तरह आज मैं आई हूं, तुम्हारी उसी सास, उसी दोस्त की हार का जश्न मनाने। ये लो पियो। अरे लक्ष्मी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नींबू पानी है। शायद इसे पी के गुड्डन की दोस्ती का जो नशा चढ़ा है ना, वो उतर जाए। हाँ लो पियो, पियो लक्ष्मी पियो। अच्छा है, पियो। उतरा नशा, आया होश। अब पता चला लक्ष्मी, एक गलत इंसान का साथ दे रही थी तुम। अगर तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे सास से नहीं हुई होती ना, तो ये जो तुम्हारा हाल है वो नहीं हुआ होता। अगर गुड्डन तुम्हारी दोस्त सास नहीं, एक सख्त सास होती ना, तो कल रात वो सब तुम्हें हरगिज नहीं करने देती। और आज वरदान जी के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं टूट रहा होता लक्ष्मी। पर अब क्या करें, तुम्हारी सास है ही इतनी बचकानी, रिश्तों की गहराई को समझती ही नहीं। वो तो सास बहू के रिश्तों की गहराई को दोस्ती जैसी एक मामूली से चीज से नापने चली थी। तो फिर होना क्या था, उसकी सोच भी डूबी और साथ ही साथ तुम्हारा रिश्ता भी। देखो लक्ष्मी, तुम मानो या ना मानो, ये जो तुम्हारी हालत हो रही है ना, ये सिर्फ उस गुड्डन के वजह से। वक्त में थोड़ा सा पीछे चली जाओ, जब तुम मेरे साथ थी, सरू के साथ थी। सोचो लक्ष्मी, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ था? नहीं ना, कितनी भी कोशिश कर ले, एक सास हमेशा एक सास ही रहती है, दोस्त कभी नहीं बन पाती। और ये आंसू पोंछ दो। बंद कीजिए अपनी दोस्ती का नाटक। आप जानती हैं आपकी दोस्ती के लिए क्या कीमत चुकाई है मैंने? मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा पति, मेरे रिश्ते सब कुछ चल गए सिर्फ आपकी दोस्ती की वजह से। इससे अच्छा तो होता कि आप एक सख्त सास बन गई होती,
कम से कम मुझे रोक तो लिया होता, ये गलती तो नहीं होती मुझसे, मेरा तलाक तो नहीं हो रहा होता। अगर आपकी दोस्ती की यही कीमत है ना, तो नहीं चाहिए मुझे आपकी दोस्ती। बुरा लग रहा होगा ना अपने दोस्त की दोस्ती खोकर, बुरा लग रहा होगा ना अपने दोस्त का भरोसा खोकर, विश्वास खोकर, ये सब तेरी घटिया सोच की वजह से हुआ है। अगर तूने दोस्ती की जिद छोड़कर हमारा सख्ती का तरीका अपनाया होता तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अरे बहुए तो होती है पतंग की तरह, जितना ढील दोगी उतना ऊपर उड़ेगी, इसीलिए बहुओं का मांजा हमेशा कस के रखना पड़ता है। नहीं बुआ जी, वो रिश्ता थोड़ी होता है, तो मजबूरी हुई ना। रिश्ता तो वो होता है जहां हमें आजादी होती है, हर बात की आजादी, जो मन में आए वो कहने की आजादी। तो क्या हो गया अगर हमारी दोस्त हमसे नाराज है, दोस्ती तोड़ना चाहती है? टूटना तो उसका हक है ना, वो मनाना हमारा एक दोस्त का, एक सास का आवर्स। आप हमारी दोस्त की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब देखिएगा लक्ष्मी जी है ना, खुद आके हमारे गले लगेंगी और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, ये जब भी हो आपके सामने हो। हम इतनी आसानी से दोस्त का साथ छोड़ने वाले में से नहीं है। ऐसा ही होगा और हमारे सामने ही होगा। लक्ष्मी तुझे गले जरूर लगाएगी, लेकिन खुशी से नहीं, तलाक होने के गम में। तुझे क्या लगता है तेरी ये दोस्त रात को बाहर जाकर शराब पिएगी, लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी और इसका कोई असर नहीं होगा? हम भी देखते हैं ये रिश्ता कैसे बचता है। इन पेपर्स पे साइन करो और अपना पत्नी होने का ढोंग खत्म करो। प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम पति पत्नी के बीच कोई नहीं आएगा। सुना नहीं तुमने? साइन करो। आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, इन पेपर पे साइन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। तुमसे नहीं हो पाएगा ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पहले मैं ही साइन कर देता हूँ। सुनिता जी नहीं, मेरी बात सुनिए वरदान जी, देखिए ऐसा मत कीजिए वरदान जी, मेरी बात सुनिए। तलाक के पेपर्स पे साइन करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि अगर तुमने इन पे साइन किया तो लक्ष्मी बहू की मर्जी हो या ना हो, तुम लक्ष्मी बहू को डिवोर्स नहीं दोगे, लक्ष्मी बहू तुम्हें डिवोर्स देंगी। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि तुम्हारे नाम के बाद मेरा सरनेम जुड़ता है जिंदल। इतने सालों में यही सीखा है तुमने,
इतना ही भरोसा करते हो अपनी पत्नी पे कि एक वीडियो देखकर तलाक के पेपर साइन करने जा रहे हो? बस इतनी सी इज्जत है तुम्हारी आंखों में इस रिश्ते की? तब से देख रहा हूं मैं, निर्दोष होने के बावजूद लक्ष्मी बहू तुम्हारे सामने विनती कर रही है। जी हां, लक्ष्मी बहू ने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही वो इस सजा की हकदार है और ना ही तुम लक्ष्मी बहू के लायक हो। जिस वीडियो के चलते तुम इनको ये तलाक देने जा रहे हो, आंखें खोल के एक बार दोबारा देख लो उसे। उस वीडियो में जो औरत नाच रही है, उसकी कलाई की चूड़ियां देखो और वो चूड़ियां देखो जो लक्ष्मी बहू ने अपनी कलाइयों में पहनी हुई थी। दोनों अलग हैं। इसीलिए उस वीडियो में जो औरत है वो लक्ष्मी बहू हो ही नहीं सकती। और ये बात साबित करने के लिए मैंने पुलिस की मदद भी ली। इंस्पेक्टर चल। ये है वो आदमी, इसी ने उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उस वीडियो को वायरल किया था। मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी जी, दरअसल मैं लक्ष्मी जी को पहले ही पहचान गया था और समझ गया था कि अगर इनका वीडियो निकालूंगा तो वायरल होगा, इसलिए मैंने कंप्यूटर की मदद से उस वीडियो में जो औरत थी उसकी शक्ल आपकी शक्ल से बदल दी। सच बात तो यह है कि लक्ष्मी जी पार्टी में आई थी और अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत करने में बिजी थी तब मैंने लक्ष्मी जी के जूस का गिलास शराब के गिलास के साथ बदल दिया था, जिसे पीकर ये वहीं सो गई थी। चल। कुछ बोलोगे या यूं अब बुत बने खड़े रहोगे? अजीब नहीं, अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी धर्म पत्नी से मांगो। लक्ष्मी, एजे ने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सच जाने बिना ही मैंने तुम्हारे साथ, प्लीज लक्ष्मी मुझे माफ कर देना। नहीं प्रधान जी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपको माफ किया, मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें और लक्ष्मी बहू को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। लल्ला, एक मिनट। माना वीडियो झूठा था पर उससे हुई बदनामी तो असली है ना। अगर लक्ष्मी बहू उस पार्टी में ही ना जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, ना लक्ष्मी बहू के नाम का वीडियो पूरे शहर में फैलता और ना ही जिंदल खानदान की बदनामी होती। वो जी, आपका ये सोचने का तरीका गलत है। हम गलत हैं? जी बुआ जी, पर ये मैं बिना किसी बुनियाद के नहीं कह रहा,
आपको मुझ पर बुरा भरोसा है ना? मेरे बाहर आने जाने पे कोई रोक टोक तो नहीं लगाई ना आप? कैसी बकवास कर रहा है लल्ला? हम क्यों तुम पे रोक टोक लगाएंगे? अरे बेटा, तू मर्द है, लड़का है तू। और कौन कहता है कि मर्दों की नकली वीडियो नहीं बनाई जा सकती? बुआ जी, जिस तरह लक्ष्मी बहू का नकली वीडियो बना के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, उस तरह मेरा भी तो कोई नकली वीडियो बन सकता है ना? मुझे भी तो बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है ना? पर मेरे बाहर आने जाने पे तो कोई रोक टोक नहीं है, पूरी छूट है, पर हमारी बहुओं को नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूं और ये औरतें। वो जी, अगर किसी को रोकने की जरूरत है तो उस जैसे अपराधियों को जो पैसों के लालच में इस तरह की हरकतें करते हैं। आज जो हुआ ये किसी के साथ भी हो सकता था बुआ जी, इसीलिए लक्ष्मी बहू को दोषी ठहराना ये तो गलत है ना? थैंक यू जी, मुझ पे यकीन रखने के लिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं अपना सब कुछ खो बैठती आज। नहीं लक्ष्मी बहू, अगर आपको शुक्रिया करना है तो मेरा नहीं, अपनी दोस्त और अपनी सास का कीजिए। इनके अटूट विश्वास की वजह से हुआ है ये सब। गुड्डन को पूरा यकीन था कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो मुझे मत कहिए, इन्हें कहिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। सिर्फ सासू माँ नहीं, दोस्त सासू माँ। है ना बुआ जी, सही कहा ना हमने? अपने मजाक करने की टाइमिंग को थोड़ा ठीक कर लो। कम एंटरटेनमेंट चल रही है जो आप पड़े पड़े यहाँ पे गाने सुन रहे हो? वाह भाई, क्या महान प्लान बनाया था आपने। सब कुछ धरा का धरा रह गया। ले गई पुलिस, ले गई उस आदमी को जिससे आपने उस वीडियो में लक्ष्मी दी की शक्ल बदलवाई थी। एक मिनट भाई, क्या कहा था मैंने आपसे? उस गुड्डन और लक्ष्मी दी की दोस्ती तोड़कर उन दोनों को उनकी औकात याद दिला देना, पर आपसे तो वो भी नहीं हो पाया। उस गुड्डन को पूरे घर वालों के सामने फिर से भगवान बना दिया। चिल करो बहना, इतना क्या लोड ले रही हो? हमारा प्लान तो फुल प्रूफ ही था। अब वो एजे और गुड्डन इतने सियाने निकलेंगे ये किसे पता था। खैर तुम टेंशन मत लो, उस आदमी को इतने पैसे खिलाए, इतने पैसे खिलाए कि वो मर भी जाएगा तो भी पुलिस के सामने हमारा नाम नहीं लेगा। ये चिल विल ना आप करो, मैं नहीं करूंगी। जब तक मैं उस गुड्डन और लक्ष्मी दी को उसकी औकात नहीं याद दिला दूंगी ना, मैं शांत नहीं बैठने वाली। आपको पता भी है भाई, उन दोनों ने मिलकर नौकरों से भी खराब हालत कर दी है मेरी। गुड्डन को बहुत नाज है ना उसकी दोस्ती पर, तो ठीक है, अब मैं उसी दोस्ती की धज्जियां उड़ाऊंगी, वो भी उसकी प्यारी दोस्त लक्ष्मी दी की मदद से। अब गुड्डन की बर्बादी का कारण बनेगी लक्ष्मी दी। बस अब आगे आगे देखती जाओ गुड्डन, ये क्या करती हो तुम्हारे साथ।